उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने घर की सुरक्षा के लिए पिटबुल कुत्ता पाला हुआ था, लेकिन युवक ने कुत्ता घर लाते वक्त कभी यह नहीं सोचा होगा कि वही कुत्ता उसकी माँ की मौत की वजह बन जाएगा। दरअसल लखनऊ के केसरबाग थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक घटना घटी है। यहाँ एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने 80 साल की महिला को नौचाया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। केसरबाग थाना अध्यक्ष ने बताया कि 80 वर्षीय रिटायर्ड टीचर पर उसके पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था। कुत्ते ने इस तरह महिला को काटा था कि उनका मांस तक अलग हो गया था। उस दौरान महिला घर में अकेली थी और उनका जिम ट्रेनर बेटा जिम गया हुआ था। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक सुशीला त्रिपाठी केसरबाग के बंगाली टोला इलाके में परिवार के साथ रहती थी। मृतक महिला का बेटा अमित त्रिपाठी अलीगंज स्थित कपूरथला में जिम ट्रेनर है। हिंसक नस्ल के पिटबुल के अलावा घर में एक और पालतू कुत्ता लेब्राडोर है। सुशीला पिटबुल को छत पर टहला रही थी, इसी बीच पिटबुल के गले में बंधी हुई चैन खुल गई और फिर उसने अचानक से सुशीला पर हमला कर दिया। कुत्ते ने ऐसा काटा था कि शरीर से मांस तक अलग हो गया था। उस दौरान वह घर पर अकेली थी। बुजुर्ग सुशीला अपनी जान बचाने के लिए चीख रही थी, लेकिन वह खुद को पिटबुल के चुंगल से नहीं छुड़ा पाई। पिटबुल के काटने से उनका पेट, सिर और चेहरा बुरी तरह से लहूलुहान हो गया था। बाद में जब नौकरानी घर आई तो सुशीला को जमीन पर लहूलुहान देखकर हैरान रह गई और उसने अमित को फोन किया। वह फटाफट जिम से घर आया और खून से लथपथ मां को वह हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा खून बहने की वजह से महिला की मौत हुई है। इस मामले पर ADSP पश्चिमी जोन चिरंजीवी नासिरहा ने बताया कि पुलिस के पास अभी कोई तहरीर नहीं आई है और आगे कोई शिकायत देता है तो कार्यवाही की जाएगी।